बीते गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के घायल होने और विजय कुमार सिंह के शहीद हो जाने के विरोध में आज शुक्रवार को भाजपाइयों ने काला दिवस के रूप में मनाया। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने काला पट्टी बांधकर विरोध जताया, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना चौक पर झंझारपुर जिला भाजपा उपाध्यक्ष विजय राउत की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन का मुख्य कारण बीते कल यानी 13 जुलाई बृहस्पतिवार को पटना में बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा मार्च में हुए लाठी चार्ज के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता के घायल होने और विजय कुमार सिंह के शहीद होने को लेकर पुतला दहन किया गया। झंझारपुर जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा काला पट्टी लगाकर काला दिवस मनाया गया। पुतला दहन के समय कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हाय हाय नीतीश कुमार, गद्दी छोड़ो, हत्यारा नीतीश कुमार को फांसी दो, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, चाचा भतीजा गद्दी छोड़ो का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन समारोह में पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश मिश्र, उपाध्यक्ष विजय राउत, महिला नेत्री राजू देवी, संदीप दास, महामंत्री सत्यनेश्वर प्रसाद, किर्रा प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुरेंद्र नारायण सिंह, वैद्यनाथ भंडारी, पुष्पेंद्र झा, राम गोपाल मंडल, संजय राय, राजेश मिश्र, दधीची मिश्र, भरत महतो, भरत चौधरी, ऋषि चरण चौधरी, ललन पासवान, प्रदीप ठाकुर, विनोद मंडल, अजय चौधरी, विकास सिंह, ललित राय, राम नरेश पासवान, मजीबुर रहमान, कैलाश भंडारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में मुख्यमंत्री चाचा नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री भतीजा तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। बिल्कुल अंधे हो गए हैं, कानून उनके लिए कुछ नहीं है, वो तानाशाही में ऐसे चूर है जो मैंने मिल करके चाचा भतीजा बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। फिर भी उनके कान में जो रुई पड़ा हुआ है वो कुछ सुनते नहीं है, इसके लिए हम भाजपा परिवार बहुत दुखी है। आज अपने यहाँ भाजपा परिवार की ओर से माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी लोकतंत्र है, इतना घमंड सत्य के नशे के चूर में इतना घमंड अच्छा नहीं है। जो जनता आपको कुर्सी पर बैठाया है वो उतारना भी जानती है, इसका आपको बहुत बुरा दिन देखना पड़ेगा। आज हमारा कल हमारा शहीद विजय सिंह जी का शहीद दिवस हम लोग इस रूप में मनाए हैं और आगे मनाते रहेंगे। ये हमारे भाजपा परिवार के लिए बहुत अति क्षति है जिसका हम लोग शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और नीतीश कुमार जी को भर्त्सना करते हैं कि गद्दी छोड़े, तेजस्वी यादव गद्दी छोड़े, और हम भाजपा परिवार की ओर से चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो। भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर जिला इकाई ये आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया है और हम लोग आज नीतीश कुमार जो शहीद भगत सिंह का हत्यारा है उनका हम लोग पुतला दहन किए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित है और जनताओं के बीच में इस समस्या को लेकर के जाएंगे और दिखाएंगे। जब हम समस्या लेकर के जाते हैं और शांतिपूर्ण कार्यक्रम करते हैं तो हम पे वो लाठी बरसाता है। ये सीधा सीधा जनतंत्र का हत्यारा है, ये पूरे जनतंत्र का एक प्रकार से किडनैपिंग कर चुका है, हत्या कर चुका है, यही हम कहना चाहते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी का ये है, हम लोग का सबसे पहले मुख्यमंत्री को हटाना है, कुमार को हटाना है, वो रहने लायक नहीं है, आतंकवादी है वो। कल जो पटना में हुई थी प्रोग्राम उसमें हमारे जिला के महामंत्री मारे गए हैं उनके पुलिस के द्वारा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द पटना से गद्दी छोड़ा कर हटाना है, भगाना है उनको। कल भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था, लेकिन तानाशाह नीतीश कुमार के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई, उसमें कई महिलाएं भी जख्मी हुई, उसमें हमारा एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जहानाबाद जिला का जिला महामंत्री विजय सिंह जी शहीद हो गए। हम
इस आज भारतीय जनता जनता पार्टी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है और मांग करते हैं नीतीश कुमार, चाचा भतीजा, जदी जोड़े और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे।